अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रीक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम यूट्यूब पे वीडियो कैसे क्रिएट करें और एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर कैसे बने, और उसके अलावा हम अपनी वीडियो कैसे अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज़ ए से जेड। मैं आपको टोटल कवरेज दूंगा कि हमने क्या चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, कैसे आपने सब कुछ यूज़ करना है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे को ग्रो करते रहें, ठीक है। तो अब इस वीडियो में जो मैंने एक आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करा है, वो वीडियो का कंटेंट ये है कि सबसे पहले हाउ टू क्रिएट वीडियोस फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे क्रिएट करनी है और अपलोड वीडियो कैसे करनी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो आप लोगों के लिए कुछ कॉन्टेंट तैयार करा है वो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट नीश और टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक नीश और एक अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। मतलब ये ना हो कि आप जब यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं तो आपने उसके ऊपर व्लॉगिंग भी करना स्टार्ट कर दी, कुकिंग की वीडियोस भी डाल दी, जॉब की भी वीडियोस डाल दी, आपने टैग भी डाल दिया, एजुकेशन भी डाल दिया, साइंस एंड फिक्शन भी डाल दिया, जो आपको मिल रहा है गाने भी डाल दिए, एक ही सद जो मिल रहा है बस डालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चैनल का कोई एक स्पेसिफिक नीश होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को लेकर चलेंगे। लेट सपोज मैं आपको कुछ चैनल्स रिव्यू करवाता हूँ कि हम यहाँ आ गए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने, जैसे लेट सपोज ये मेरे पास लोड हो गया है मेरा चैनल, तो यहाँ पे आके मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे जैसे कुछ वो आ रहे हैं, या तो गेमिंग का है, म्यूज़िक का है, पाकिस्तान ड्रामो का है, कॉमेडी का है, तो इस तरीके के ये मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। लेट सपोज अगर मैं कोई फूड लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास फूड से रेलिवेंट जितने चैनल्स होंगे, ये फूड रेंजर आ गया, और ये मेरे पास जो रेलिवेंट चेंजर होंगे फूड्स के वो आ जाएंगे, फूड इंस्पेक्टर आ गया, फूड इंसाइडर आ गया, फूड रेंजर आ गया, फूडी आ गया। तो इन लोगों ने अपनी एक नीश सेलेक्ट करी हुई है। लेट सपोज अगर मैं फूडी खोलता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ वो आप उस पर फोकस कीजिएगा। ये फूडी खोला मैंने, तो अब आप ये देख लें इधर कोई व्लॉगिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा फूड से रेलिवेंट सारा कॉन्टेंट जो भी होगा वो क्या होगा, फूड से रेलिवेंट होगा। ये चैनल है फूड से रेलिवेंट, तो इसमें जितना भी हमारे पास कंटेंट है सारा फूड से रेलिवेंट। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, इनका टाइटल, इनका डिस्क्रिप्शन, सब चीज़ें क्या है, फूड से रेलिवेंट है, ठीक है। इसके सब्सक्राइबर, सारी चीज़ें इसकी क्या है, फूड से रेलिवेंट। अब हम कोई और चैनल देख लेते हैं, लेट सब वो साइंस एंड साइंस का नहीं है, तो मैं कोई कॉमेडी चैनल दिखा देता हूँ आपको। कॉमेडी मैंने यहाँ पे टाइप करा, तो अब जितने भी ये चैनल्स आ रहे हैं इन सब पे सिर्फ कॉमेडी मिलेगी आपको। फ़नी डे के नाम से एक चैनल आ गया आपके पास, शिमारू कॉमेडी आ गया, और ये जितने भी आपके पास ये चैनल्स आ रहे हैं ये सारे किससे रेलिवेंट है, कॉमेडी से रेलिवेंट। मतलब इन लोगों ने एक अपनी नीश सेलेक्ट की हुई है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो एक नीश सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सेकंड, हाउ टू राइट कंटेंट यू वांट फ्रॉम गूगल एंड आल्सो फ्रॉम बुक नॉवेल्स ETC। लेट सपोज अगर फ़र्ज़ करो मैं कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, कोई ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसका कंटेंट पूरा क्रिएट रखना है। बनाने से पहले पूरे उसकी कंटेंट की क्रिएशन होनी चाहिए, चाहे वो मैं बुक से ले रहा हूँ, चाहे मैं गूगल से ले रहा हूँ, चाहे मैं किसी नॉवेल से ले रहा हूँ, कहीं से भी ले रहा हूँ, तो मुझे उसकी पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका प्लानिंग एंड आउटलाइन, ठीक है। प्लानिंग एंड आउटलाइन में क्या, यू शुड मेक योर वीडियोस प्रॉपर प्लानिंग एंड मेन थीम ऑफ योर वीडियो चैनल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप जो अपनी वीडियो बनाए उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो, उसका प्रॉपर कंटेंट क्रिएट हो, आपके पास रेडी हो, उसकी थीम आपको पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से व्यूअर्स डेवलप होंगे, अब उनका इंटरेस्ट गेन होगा तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा कंटेंट बनाना है जिसके अंदर आप व्यूवर्स का इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, और ताकि व्यूवर्स आपको कहाँ तक देखें, एंड तक देखें। इसके बाद सबसे पहले क्या है, फिल्मिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। फिल्मिंग कैसे होगी, यूट्यूब पे
ठीक है, आप या तो सेल फोन से भी कर सकते हैं, आजकल एंड्रॉयड इतने सारे आ गए हैं, आप सब जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबके पास आए मोबाइल होगा, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो कोई सा भी मोबाइल हो, होगा उसके अंदर कैमरे भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं एंड्रॉयड में भी। उसके अलावा आपके पास एक स्टैंड ही होनी चाहिए, ठीक है, और माइक्रोफोन होना चाहिए, माइक्रोफोन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक लाइट होनी चाहिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ वीडियो के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कैमरा, तो आप लोगों को पता है आप लोगों के पास आपका मोबाइल फ़ोन होगा या कोई कैमरा होगा, और उसके बाद हम स्टैंड ही देख लेते हैं। स्टैंड ही के बाद हम देखते हैं स्टैंड ही फॉर मोबाइल और कैमरा, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टैंड ही फॉर मोबाइल लिखा, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाली स्टैंडी आ रही है। तो ये आ गई भैया हमारे पास स्टैंडीज, ठीक है, स्टैंड्स आ गए। तो इस तरीके का ट्राइपॉड होगा आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर आपका मोबाइल फिक्स हो जाएगा। ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंडी, ट्राइपॉड कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके का ट्राइपॉड होगा जिसपे आप अपना मोबाइल सेट कर लेंगे। माइक्रोफोन जो मैं यूज़ करता हूँ जी, या जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये होगा, बोया वालों का M1, M1 माइक आप यूज़ करेंगे। ये आपको मैं माइक्रोफोन दिखा देता हूँ ये कैसा होगा। तो ये माइक आप यूज़ करेंगे, ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये माइक्रोफोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसकी मदद से आप एक अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी नॉइस, बगैर किसी चीज़ के। ये माइक्रोफोन है, इसके साथ दो कनेक्टर आते हैं, आप ये बड़ा वाला कनेक्टर भी आता है अगर आप ओरिजिनल लेंगे, और इसके पास, इसके अलावा आपके पास ये भी आता है, इसी का वायरलेस भी ले सकते हैं। वायर वाला लेना है, ये आपको थोड़ा नॉर्मल रेंज में मिल जाएगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, लाइट हो गई। यहाँ पे हम अगेन चलते हैं, और अगेन चलने के बाद यहाँ पे मैं आ गया गूगल पे, google.com, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इधर लिखा रिंग लाइट, रिंग लाइट स्टैंड, रिंग लाइट विद स्टैंड। तो आप एक ऐसी लाइट लेंगे विद प्रॉपर स्टैंड के साथ, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिंग लाइट स्टैंड के साथ आपने लाइट लेनी है, सिर्फ रिंग लाइट नहीं ले लीजिएगा, जिसके अंदर आपका मोबाइल भी सेट हो जाए। और इसको आपने ऐसी पोजीशन पे सेट करना है कि आपका फेस पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। तो ये रिंग लाइट प्लस आपको ये कैमरा चाहिए। इसके अंदर थ्री मोड्स होते हैं, इसके लाइट, वार्म और मिड लाइट, मिड वार्म, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको ये इस तरीके की स्टैंड ही मिल जाएगी, जिसके अंदर तीन मोड होने चाहिए। प्रॉपर आप देख कर लीजिएगा, मोबाइल भी लग सकता है, मोबाइल की जगह कैमरा भी सेट हो सकता है। इस तरीके का आप ट्राइपॉड प्लस ये लाइट स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कंटेंट पे लेके चलता हूँ, आप अगेन से इस यहाँ तक हो गया, आपने अपना ये भी समझ लिया, आपने स्टैंड ही कौन सा लेना है, स्टैंड लेना है, ट्राइपॉड स्टैंड, माइक्रोफोन मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर लाइटनिंग बता दिया। वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन में क्या है, योर फेस एंड कैमरा शुड बी ऑन सेम लेवल। जो आपका फेस है वो कैमरे के साथ वाले लेवल पे होना चाहिए। गेस्चर्स और फेस एंगल, आपको पता है कि भाई आपका ये गेस्चर या ये फेस एंगल अच्छा आता है, तो आप उस फेस एंगल को देकर अपनी वीडियो बनाएंगे। ये तो हो गया आपका पूरा पहला पार्ट इस वीडियो का, कि हम यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके पार्ट टू में आप लोगों को वीडियो अपलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।